আলোচনা করিব। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो पुरानी पेंशन को बहाली का। अभी 10 अगस्त को हम लोगों ने जो है वो करीब 2 लाख से ऊपर लोगों ने जो हम लोगों ने ज्वाइंट फ्रंट बनाया है JFROPS, उसके तत्वावधान में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली करने का काम किया है। हमने सरकार को नवम्बर तक का समय दिया है, अदरवाइज हम 21 और 22 नवम्बर को स्ट्राइक के लिए बैलेट लेंगे। सरकार कर देगी तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगी तो 46 डेज का नोटिस होता है वो दे करके हम पूरा भारत बंद करने का काम करेंगे, जिसमें रेल भी शामिल होगी। तो सबसे बड़ा सवाल पुरानी पेंशन बहाली का, और उसके बगैर ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी यहाँ तमाम युवा साथी इकट्ठा हुए हैं, उस रैली में भी NFL मजदूर यूनियन का बहुत ज़बरदस्त काफिला पहुँचा था। मुझे आशा है कि जिस समय हम आह्वान करेंगे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से बंद करने का, भारत बंद करने का, तो निश्चित तौर पर भारत तो बंद होगा ही, एनएफ रेलवे में पूरे तौर पर चक्का जाम होगा। यही कहना चाहेंगे, हमने सरकार के से बिल्कुल कह दिया, बालासोर एक्सीडेंट के बाद में हमने पूरे तौर पर मंत्री जी को, चेयरमैन को हमने साफ तौर पर कह दिया, सारे अपने यूनियन के जनरल सेक्रेटरीज को बोल दिया कि एनी कास्ट देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब है अपनी स्वयं की हत्या करना, और उसके बाद में जो और लोग होते हैं वो तो अलग का सवाल है। हमें खुशी है कि रेल मंत्री ने इस बात को मानने का काम किया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने मानने का काम किया, उन्होंने भी चिट्ठी जारी की है कि किसी हालत में गाड़ी चले ना चले, रुक जाए, कम गति से चले, लेकिन कोई भी शॉर्टकट नहीं करना है।